Hello, my dear genius kids. How are you all? I'm your math teacher. So today we are going to learn about mirror image. So अभी आपने पहली वीडियो में पढ़ ही लिया होगा कि मिरर इमेज क्या होते हैं. तो आज हम मिरर इमेज में जो ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स रीड द स्पेलिंग. MIRROR मिरर, IMAGE इमेज, मिरर इमेज यानी वही इमेज जो मिरर में आपको दिखती है. सो आज जो मिरर इमेज हम पढ़ेंगे वो होगा ज्योमेट्रिक शेप्स, GEOMETRIC ज्योमेट्रिक शेप्स, SHAPES शेप्स. यहाँ आपको न्यू टर्म मिला है ज्योमेट्रिक, राइट? बट इससे आपको घबराना नहीं है, आपने तो ऑलरेडी शेप्स पढ़ ही लिए थे. हमने शेप्स बनाए थे, 2D शेप्स कौन कौन से थे? सर्कल, वेरी गुड, ट्रायंगल, गुड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एक्सेलेंट. आप सबको तो शेप्स पता ही हैं, और भी बहुत सारे शेप्स थे, पर दीज शेप्स आर कॉमन शेप्स. तो नाउ मिरर इमेज आपको पता है मिरर इमेज कैसे बनता है. एक मिरर में फॉर्म होता है ये इमेज. तो आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने मिरर इमेज वाली एक्टिविटी की होगी, अपने घर पे ट्राई किया होगा, मिरर इमेज देखे होंगे. सो इधर मैंने एक मिरर ड्रॉ कर दिया. सो दिस इज स्टैंडिंग लाइन. तो स्टैंडिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन. गुड जॉब, वेरी गुड. तो मिरर है इसलिए हम ये छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करेंगे ये शो करने के लिए कि दैट इज मिरर. सो मिरर इज इन स्टैंडिंग पोजिशन, स्टैंडिंग लाइन में है. तो हम इसे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलेंगे, LINE, लाइन, OF ऑफ रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन. तो दिस इज आवर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, सो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमने इस वाले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनाया था. यस, यहाँ पे था प्री इमेज, यानी कि जो हम इमेज यहाँ पे रखेंगे उसका रिफ्लेक्शन आपको इधर दिखेगा राइट हैंड साइड पे. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्री, PRE, प्री, IMAGE इमेज, प्री इमेज. और यहाँ पे है जो इमेज का मिरर में बनेगा जो इमेज, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. वेरी गुड, REFLECTION रिफ्लेक्शन. सो नाउ अब हम देखते हैं कि क्या और कैसे जो हमारे रिफ्लेक्शन बनेगा शेप्स का. तो अभी हम उसे ही देखेंगे. नाउ इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब ऑल शेप्स जिसमें आ जाएंगे, अ रिफ्लेक्शन, जो भी रिफ्लेक्शन बनेगा दैट मीन्स इट इज फ्लिप. जो भी, अगर सपोज करिए ये शेप है, और मैंने आपको बताया था कि जो भी शेप मिरर से जितने डिस्टेंस पे होगा, जो भी इमेज मिरर से जितने डिस्टेंस पे होगा उतना ही सेम डिस्टेंस पे उसका इमेज फॉर्म होगा. लुक, अ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर अ शेप इज फ्लिप्ड, फ्लिप्ड हो रहा है यहाँ पे,
ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये चेंज होके इसका जो रिफ्लेक्शन बन रहा है इमेज का इज फ्लिप्ड, यानी वो पलट गया। फ्लिप्ड का मतलब होता है वो पलट गया, जैसे ऐसे था। और रुकिए मैं आपको दूसरे शेप से करके दिखाती हूँ, डायमंड शेप। ओके, अब ये डायमंड शेप ऐसे था और ये बिल्कुल पलट गया, देखा आपने, ऐसे ऐसे। तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सो अ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर अ शेप इज फ्लिप्ड ओवर अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन वाली लाइन है, ओवर अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन और अ मिरर लाइन, हम इसे मिरर लाइन भी बोलते हैं, टू फेस द अपोजिट डायरेक्शन, ये ही होता है हमारा मिरर इमेज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स का। इधर आपको एक पॉइंट और याद रखने की चीज वाली है कि ओके वेट, मैं इसे हटाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब बिग शेप में, नाउ विच शेप इज दिस, स्क्वायर, वेरी गुड स्क्वायर। लुक हियर, अगर मैं स्क्वायर के इस पॉइंट को ए देती हूँ, दिस इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस इज डी। अब ये फ्लिप हो रहा है, फ्लिप यानी पलट गया। ओके, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्री इमेज, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इस प्री इमेज के, इसके भी उतने ही पॉइंट्स होंगे ऑन द मिरर इमेज में, एंड ऑल पॉइंट्स आर शुड बी ऑन द सेम डिस्टेंस। आप देख रहे हो यहाँ से जो मिरर प्री इमेज, हमारी जो इमेज है, उस जो जितने डिस्टेंस पे, मिरर से जितने डिस्टेंस पे है, उसका रिफ्लेक्शन भी मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, एंड ऑल द पॉइंट्स शुड बी ऑन द सेम डिस्टेंस। आप ये देख रहे हैं ये वाला पॉइंट बी है, सो हम इसे बी देंगे। अब बिकॉज ये मिरर रिफ्लेक्शन है तो यहाँ मैं डैश लगा देती हूँ फॉर द कि ये डिफरेंस आपको पता चले कि ये रिफ्लेक्शन है। ए इज़ वेरी फार फ्रॉम द मिरर, देखो ए बिल्कुल मिरर से बहुत दूर है, तो हम ए यहाँ बनाएंगे, राइट। अब ये डी है तो डी देखिए दूर है मिरर से, और ये पॉइंट सी है तो ये सी मिरर के पास है, तो ये हमारा मिरर इमेज बन गया है। सो ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होते हैं इमेज के, वो रिफ्लेक्शन पॉइंट में भी सेम रहेंगे और डिस्टेंस भी उनका मिरर से सेम ही रहेगा जो प्री इमेज में था। नाउ अभी हम कुछ और इमेजेस ले लेते हैं, जैसे सर्कल। लुक हियर, सर्कल का क्या इमेज, सर्कल का क्या रिफ्लेक्शन बनेगा, बिल्कुल सेम, क्योंकि ये सेम है। आज अभी मैं उन शेप्स को ले रही हूँ जिनका रिफ्लेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, आप अगर उन्हें बनाएंगे तो दे हैव अ सेम मिरर इमेज। जैसे सर्कल, सर्कल के चारों ऑल साइड्स एक राउंड कर्व लाइन से बना हुआ है, तो आप देखिए इसका मिरर रिफ्लेक्शन भी सेम होगा। स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल हैं, तो इधर भी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो अब आपने यहाँ पे नोट किया, मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन बना दी है स्क्वायर के अंदर सर्कल, तो उसका रिफ्लेक्शन भी आप देखिए कितना सुंदर बना है। नाउ लेट्स सी दूसरे शेप से भी। सो आई हैव अ डायमंड, इफ़ आई कीप डायमंड हियर, मैंने अगर इसे अटैच करके एक हम डिज़ाइन भी बना देते हैं चलो, तो डायमंड का जो शेप है वो भी फ्लिप हो जाएगा क्योंकि इसकी साइड्स भी सब सेम रहती हैं। और ये देखिए मैंने क्या बनाया, एक न्यू डिज़ाइन बना दिया। तो इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ज्योमेट्रिक शेप से जो डिज़ाइन भी बनती हैं, अगर उसका मिरर इमेज होगा तो वो कैसा होगा। यहाँ पे देखिए जो डायमंड है वो मिरर से कितनी दूरी पे है, सो यहाँ पर भी सेम जो रिफ्लेक्शन बना है वो भी मिरर से डायमंड बहुत दूरी पर ही है। अब हम
रेक्टेंगल को देखते हैं, लुखियो, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। अब आप लोगों को भी ये एक्टिविटी करनी है अपने घर पे। डिफरेंट शेप लीजिएगा, उसका रिफ्लेक्शन मिरर में देखिएगा और अपनी नोटबुक में बना के देखिएगा और मुझे भी बताइएगा, लुखियो इसका रिफ्लेक्शन कैसा फॉर्म हुआ, है ना मज़ेदार। ओके, आई हैव अ स्मॉल स्क्वायर एज वेल, ये देखिए मैंने इसके बीच में रख दिया। सो दीज ज्योमेट्रिक शेप्स आर दैट शेप्स जिनका जो मिरर रिफ्लेक्शन है वो सेम ही रहेगा, उनमें चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, लेट्स ट्राई सम मोर, थोड़े से और शेप्स को ट्राई करके देखें। चलिए लेट्स सी, आई विल कीप अ साइड लाइक दैट। देखो मिरर से मैंने कितनी दूरी पे बनाया, डिस्टेंस पे बनाया, तब भी वही है। सो ओके, आई विल रिमूव दिस। नाउ सी विच शेप इज दिस, 1 2 3 4 5 6, सिक्स साइड फिगर को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। वेरी गुड, लुक हियर, दोनों रिफ्लेक्शन, दोनों शेप बिल्कुल सेम है, रिफ्लेक्शन उसका बिल्कुल सेम आएगा और सेम डिस्टेंस पे, जितना सेम डिस्टेंस मिरर से हमारे इमेज का है उसका रिफ्लेक्शन भी सेम मिरर से उतना ही दूरी पे, उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। ओके, लेट्स मेक सम मोर एक्टिविटी, सम मोर डिज़ाइंस। ओके, आई हैव अ ट्रायंगल, लुक। सो नाउ आई हैव अ ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल के तीनों साइड्स और यहाँ पर भी ट्रायंगल, सेम ये ट्रायंगल था वो फ्लिप कर गया, फ्लिप पलट गया। सो यहाँ पर जो हम मिरर इमेज बना रहे हैं वो है वर्टिकल मिरर इमेज, वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग लाइन। अब हम कुछ और मिरर इमेज बना लेते हैं, लुक। यस, अगर आप देखेंगे मिरर इमेज के सारे शेप्स इक्वल डिस्टेंस पर ही हैं मिरर से, प्री जो इमेज है वो मिरर से जितने डिस्टेंस पर है उसका रिफ्लेक्शन भी मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। नाउ लेट्स सी, लेट्स मेक सम मोर एक्टिविटीज़ विद दीज शेप्स। मज़ा आता है ना करने में, यस मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ये देखिए मैंने कुछ डिफरेंट डिज़ाइन भी बना दिए हैं और ये देखिए हमारा एक रिफ्लेक्शन भी बन गया है ज्योमेट्रिक शेप्स से। सो किड्स, आई होप आप लोगों को मिरर इमेज की ज्योमेट्रिक शेप्स की जो एक्टिविटी है ये अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने रियली एंजॉय किया है तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।